हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम चिली प्लांट के बारे में बात करेंगे कि अपने चिली प्लांट की प्रूनिंग कैसे की जाए, क्योंकि जब चिली प्लांट बहुत दिनों तक फ्रूट देता है तो धीरे धीरे जो है उसकी डालियां जो है वो फ्रूटिंग के लायक नहीं रहती हैं, तो हमें प्रूनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारा प्लांट एक साल पुराना हो जाता है तो हमको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि नई नई ब्रांचेज आती हैं और फ्रूट भी बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं। अगर डालियाँ वहीं पुरानी रहेंगी तो फ्रूटिंग धीरे धीरे प्लांट कम कर देता है। आप देख सकते हैं कि अच्छी केयर जब होती है तो प्लांट कितनी अच्छी से फ्रूटिंग करता है। बहुत छोटा सा मेरा प्लांट है, ये 2-3 महीने पुराना प्लांट है मेरा, तो देखिए पूरा फ्रूट से भरा हुआ है। और मेरे कुछ प्लांट्स जो हैं वो एक साल पुराने हो गए हैं, तो हम आज जो है अपने पुराने चिली प्लांट की प्रूनिंग करेंगे। ये मेरा एक साल पुराना चिली प्लांट है, आज हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। ये भी पूरा मिर्च से भरा हुआ था, तो मैंने इसकी चिलीज जो है काफ़ी उतार ली हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से हम इस पे से चिली हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज मैंने डिसाइड किया कि रेनी सीजन में प्रूनिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, कि अगर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो रेनी सीज़न में ही करिए। बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, नई नई शाखाएं बहुत जल्दी निकलती हैं, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए मैं आज अपने प्लांट की प्रूनिंग करूंगी और इसके लिए मैं अपनी सारी जो है चिलीज को उतार लूंगी। उसके बाद मैं इसकी जो कमज़ोर तना है, जो पतला तना है, उसको धीरे से कट कर देंगे और फिर नई नई ब्रांचेज होंगी और ये और अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। तो बहुत सारी चिलीज में पिछले 2 दिन से इस पे से चिली हार्वेस्ट कर रही हूँ ताकि पेड़ मेरा खाली हो जाए, लेकिन इतनी ज़्यादा चिलीज हैं कि हमने कल ही वीडियो बनाने की सोची थी कि हर जो है अपनी प्रूनिंग वीडियो बना दूं, लेकिन चिली हार्वेस्ट करते करते अंधेरा हो गया मुझे, क्योंकि मुझे संभाल के जो है चिलीज़ को हार्वेस्ट करना होता है, नहीं तो मेरे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। जल्दी जल्दी तोड़ेंगे तो प्लांट जिसको डालियों को हम नहीं तोड़ना चाहते वो भी टूट जाएगी, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि कल वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ी चिलीज़ अभी रह गई थी, उन्हें भी हार्वेस्ट कर ले हम, फिर उसके बाद प्रूनिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम प्लांट की मेन स्टेम को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जो इस तरीके की पतली पतली डालियां हैं, इस तरीके की पतली पतली डालियां हैं, तो इनको हम यहाँ से ऐसे यहाँ से कट कर दें, इस तरीके से यहाँ बीच बीच में से कट कर दें, ताकि जो है नई नई शाखाएं निकलें और नई शाखाओं पर ही बड्स लगते हैं, फ्लावरिंग होती है। किसी भी प्लांट के साथ ये होता है कि जब वो बहुत दिन तक फ्रूटिंग करता है तो धीरे धीरे उसकी फ्रूटिंग कम हो जाती है। तो रेनी सीजन में अगर हम प्रूनिंग कर देते हैं और अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देते हैं अपने प्लांट को, तो वो फिर से बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करने लगेगा। तो चलिए हम अपनी कुछ ब्रांचेस को प्रून करके दिखाते हैं आपको, कि यहाँ से इसको ऐसे सीजर से, आपके पास अगर कटर है तो उससे आप कट कर सकते हैं। वैसे अपनी प्लांट को प्रून करते हुए मोह तो बहुत लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम ग्रो करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है, कि अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे तो सोचेंगे लगातार फ्रूटिंग होती रहे, तो वो संभव नहीं है। एक समय आता है कि पुरानी डालियों को हमें काट कर हटाना ही पड़ता है, तो इस तरीके से आप पुरानी जो इसे नई नई लीव्स भी आएंगी और ये देखिए आप इस तरीके से आप पुरानी डालियों को ऐसे यहाँ ऐसे सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट रेनी सीजन में प्रूनिंग करना चाहिए। ऐसे यहाँ इस तरीके की बेकार की ब्रांचेस जो हैं, सूखी ख़राब ब्रांचेस जो हैं, उन्हें तो काट कर बिल्कुल हटा ही लेना चाहिए। अगर हम प्रूनिंग कर देते हैं तो हमारा प्लांट फिर से नई जैसी फ्रूटिंग करने लगता है।
इस तरीके से। यहाँ पे देखिए इस तरीके की पतली जो डालियाँ हैं, इस तरीके की पतली जो डालियाँ हैं, इनको यहाँ से ऐसे कट कर देंगे। आप देख सकते हैं जिन डालियों को हमने काटा है उसमें भी कितनी ढेर सारी मिर्च लगी हुई है, लेकिन हमें अपने मन को कड़ा करके अपने प्लांट को प्रून तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब फिर से जो है विंटर सीजन में अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो रेनी सीजन में आपको प्रूनिंग करनी ही करनी है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो कमज़ोर पतली डालियाँ हैं उन्हें हम काट के अलग कर देंगे और फिर उसके बाद जो है अपने पॉट में फर्टिलाइज़र डालेंगे। आज मैं अपने चिली प्लांट में ये जो है इप्सम सॉल्ट डालूँगी। एक टीस्पून इप्सम सॉल्ट लिया है हमने और ये 100 ग्राम कंपोस्ट है, ये काऊ डंग कंपोस्ट है। ये मेरा एक साल पुराना कंपोस्ट है, फुली डी कंपोज है। ये बारिश में भीगा हुआ है तो थोड़ा सा देखिए आप देख सकते हैं, इसमें देख लीजिए कैसे वर्म्स है, ये वर्मी कंपोस्ट है। आप अपने प्लांट में पूरी तरह से डीकम्पोज किया हुआ ही कंपोस्ट यूज़ करें, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम ताज़ा गोबर अपने सॉइल में डाल सकते हैं, तो नहीं, ताज़ा गोबर अपने सॉइल में आप मत यूज़ करिए, आप उसको पहले डीकम्पोज करिए। डीकम्पोज करने के लिए आप चाहिए तो उसको कुछ दिन तक किसी बोरी में करके रख दीजिए, 4-6 महीने में जब उसका कलर चेंज होने लगेगा वो ब्लैक हो जाएगा और डीकम्पोज हो जाएगा। इस तरीके से एप्सम सॉल्ट और कंपोस्ट को हम अपनी सॉइल में डालेंगे और इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर लेंगे। इससे जो है धीरे धीरे मिट्टी के साथ साथ जो है पोषण हमारे प्लांट को मिलता रहता है। वैसे रेनी सीजन में तो हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज अच्छे से करना ही चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत होती है तो सॉइल में पानी बहुत पड़ता है, तो जब पानी पड़ता है तो धीरे धीरे नीचे जो है ड्रेनेज होल से हमारे विटामिन्स न्यूट्रिएंट्स जो इस इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के लिए होते हैं वो धीरे धीरे बारिश के साथ बह जाते हैं, जिससे हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है। ग्रो तो अगर रेनी वाटर अगर पड़ता है, रेन वाटर नाइट्रोजन उसमें होती है, वो ग्रो तो करता है बट फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि जो अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं वो तो बारिश के साथ बह जाते हैं। इसलिए हमको स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में रेनी सीजन में डाल देना चाहिए, कि जैसे जैसे बारिश की बूंदें पड़े, चाहे हम अपने प्लांट में वाटरिंग कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो है फर्टिलाइज़र उसमें रिलीज़ होता रहेगा और हमारा प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करेगा। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स कहते हैं कि हमारे चिली प्लांट में शुरू में तो फ्रूटिंग हुई थी लेकिन बाद में उसमें फ्रूटिंग होना बंद हो गई, तो आप अगर अपने प्लांट में फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे, उसको उसकी प्रूनिंग नहीं करेंगे, तो रेगुलर जो है फ्रूटिंग किसी भी प्लांट में अगर आप उसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग नहीं करते हैं, तो एक बार फ्रूट देने के बाद आपका प्लांट जो है उसी तरह शोपीस बनकर रहेगा, उसमें कोई भी फ्रूट नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी ब्रांच पे बस एक बार फ्रूट्स आते हैं। और चिली प्लांट को तो हम पिछले पूरे एक साल से इस पे से चिली हार्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए रेगुलर चिली मिली हमको, तो अब जो है टाइम है हम किसकी पुरानी डालियों की प्रूनिंग कर दें ताकि नई नई ब्रांचेस आएँ और हमें और ढेर सारे जो हैं चिलीज़ पे मिल पाएँ। तो आप भी अपने चिली प्लांट की प्रूनिंग करिए और उसकी ख़राब लीव्स जो है उसको तोड़कर हटा दीजिए, ताकि नई नई लीव्स हैं, बेकार पड़ी लीव्स जो येलो लीव्स होती हैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो किसी काम की तो रहती नहीं है, बेकार में प्लांट की जो है एनर्जी लेती रहती है। इस तरीके से बेकार जो येलो लीव्स हो रही हैं इस तरीके से, असल में बारिश में होता ही है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना तो आपके जो है लीव्स येलो होने लगते हैं, क्योंकि वाटर कंट्रोल तो हमारे बस में रहता नहीं है। लेकिन अगर आप अपने सॉइल में बहुत अच्छे से सैंड यूज़ करते हैं, हम चिली प्लांट का जब सॉइल बनाते हैं तो 50% गार्डन सॉइल और 40% जो है उसमें कंपोस्ट और सैंड, बराबर बराबर मात्रा में कंपोस्ट और सैंड लेते हैं और मिलाते हैं, ताकि जब भी हम वाटरिंग करें अपने प्लांट में तो सारा पानी जितना ज़रूरत हो प्लांट को वो ले ले और जितनी एक्स्ट्रा वाटर है वो तुरंत जो है हमारे सॉइल से ड्रेनेज होल से जो है नीचे बाहर निकल जाए।
इसीलिए इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पूरे मंथ, पूरे जुलाई मंथ में बारिश हुई है, फिर भी आप देख रहे हैं कि मेरा पूरा प्लांट जो है वो चिली से भरा हुआ है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरे प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आप भी अपने प्लांट की प्रूनिंग करिए और पाइए ढेर सारे मिर्च। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारे सजेशन अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ, हमारे वीडियोज़ देख कर छोड़ा मत करिए, प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए ताकि हमें और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।